नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव। वी केयर वी शेयर में आज हम बात करेंगे बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। देखिए, बच्चे हैं तो थोड़ी बहुत बदतमीजी तो जायज़ है, बल्कि हम डायलॉग भी मारते हैं, बच्चों की तरह बिहेव मत करो, बच्चों की तरह लड़ो मत, बच्चों की तरह चीखो मत, बच्चों की तरह चिल्लाओ मत। इसका मतलब ये सब चीज़ें जो हैं एक हद तक नॉर्मल हैं जब बच्चे बच्चे होते हैं, बट अगर ये एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती हैं तो शायद हमें किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वो कौन सी चीज़ें हैं जब हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, कि हमें दिखाने की ज़रूरत है, तो उस बारे में मैं आपसे बात करूँगा। बेसिकली हमारी साइकेट्री में इनको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर और दूसरा है कंडक्ट डिसऑर्डर। ऑपोजिशनल का मतलब होता है, जैसे कई बार पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है कि जो भी हम बोलते हैं उसका उल्टा जवाब देते हैं। जैसे कांग्रेस और बीजेपी, दे आर इन ऑपोजिशन। कांग्रेस कुछ भी बोलेगी, बीजेपी हमेशा उसका उल्टा जवाब देगी, या बीजेपी जो भी बोलेगी कांग्रेस उसका हमेशा उल्टा जवाब देगी। डिफाइंड का मतलब होता है बदतमीज़, कि तमीज़ नहीं है या उसको तरीका नहीं है या सलीका नहीं। डिसऑर्डर मतलब परेशानी। तो ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं होता है कंपैरेटिवली, जिसके लिए एक स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़े, हो सकता है फैमिली मैनेजमेंट या उन इशू से भी सेटल हो जाए। तो उसमें लड़के और लड़कियाँ लगभग बराबर होती हैं, मतलब बच्चे जो हैं थोड़े बदतमीज़ होंगे, कुछ चीज़ें बोल देंगे, दूसरों को छेड़ देंगे या तंग कर देंगे। उसमें ज़्यादा वर्बल चीज़ें ज़्यादा रहती हैं बजाय फिज़िकल वायलेंस और मारपीट की इन्वॉल्वमेंट के। बट ये है कि वो माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। इसमें रिस्क फैक्टर्स भी रहते हैं, ये उन फैमिलीज़ में ज़्यादा होते हैं जहाँ पे वायलेंस ज़्यादा होती है। फादर अगर ड्रिंक कर रहे हैं और मदर की पिटाई करते हैं तो देर विल बी मोर प्रॉब्लम्स। एंड जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स तो होगा ही, प्लस अल्कोहल है और घर का माहौल है और कितनी वायलेंस एक्सेप्टेबल है, फीमेल्स की कितनी इज्जत होती है घर में, इन सब चीज़ें मैटर करती हैं। और सोशल सर्कमस्टांसिस कैसे हैं, कैसे सर्कमस्टांसिस में रहते हैं, किस चीज़ को किस हद तक नॉर्मल माना जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि जॉइंट फैमिलीज़ में काफ़ी हद तक बिहेवियर को नॉर्मल माना जाता है, जो कि वायलेंट होता है, अभी होता है टाइम्स, बट न्यूक्लियर फैमिलीज़ में थोड़ा कम रहता है। उसके बाद दूसरा डिसऑर्डर होता है कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट मतलब बिहेवियर की प्रॉब्लम। इसमें थोड़ा मामला संगीन हो जाता है। आपने काफ़ी सारे इंसिडेंसेस सुने होंगे जहाँ बच्चों ने वेपन्स ले गए स्कूल में और किसी को गोली मार दी। दिल्ली में भी ऐसे एक दो इंसिडेंस हुए थे कुछ साल पहले। एक्चुअली उनमें से, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एक का फादर प्रॉपर्टी डीलर था, ही वॉज एन अल्कोहल, लाइक ही यूज टू कीप द गन, तो अपने पापा की ही वो गन ले गया था। सो अवेलेबिलिटी ऑफ फायर आर्म्स और माहौल, जैसे कि मैंने आपको बात की, उससे भी इम्पॉर्टेंट होता है। प्लस जैसे कई बच्चे होते हैं उनको जानवरों को तंग करने में बहुत मज़ा आता है, कुत्ते को पत्थर मारना या गाय के पीछे डंडा लेके भागना, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। देन उनको दूसरों को, बच्चों को छेड़ने में बहुत मज़ा आता है, पीटने में बहुत मज़ा आता है। दे डिराइव प्लेजर बाय हार्मिंग एनिमल्स और ह्यूमंस, सो इट का मतलब देर इज़ ए प्रॉब्लम, देर इज़ एन इशू विद अ चाइल्ड। देन है चैलेंजिंग द अथॉरिटी, है रात को घर में नहीं आना, अपने दोस्तों के साथ बाहर चले जाना बिना बताए, या रात को घर से भाग जाना या स्कूल से भाग जाना, ये भी इंडिकेटर हैं कि जो है अब मामला सीरियस हो गया है। फिर उसके बाद किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ देना, चोरी कर लेना, ठगी कर लेना, काफ़ी सारी चीज़ें जो ये हैं। ये स्लम डॉग मिलियनेयर जो मूवी आई थी, उसमें जो मेन हीरो का बड़ा वाला भाई था, उसमें काफ़ी सारे ये लक्षण थे जिसको हम कंडक्ट डिसऑर्डर बोल सकते हैं। अगर बच्चे को कंडक्ट डिसऑर्डर है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्कूल से बकायदा रेगुलर कंप्लेंट्स आएंगी। और इसमें हमें कारण भी देखना पड़ेगा कि क्या कारण है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा इमोशनली परेशान है या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम है या कोई साइकोलॉजिकल इशू है जिसकी वजह से ऐसा है। बट अगर इनमें से कोई भी इंडिकेटर है जहाँ पे वॉयलेंस है, दूसरों के हकों को मारा जा रहा है, ठगी की जा रही है, चोरी की जा रही है, और उसके बाद अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है बुरी तरह से, इसका मतलब समय आ गया है कि बच्चे को एक स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए और देखा जाए कि क्या कारण है, और उनका जैसे भी पॉसिबल हो उनको ठीक किया जा सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चा बदतमीज़ है तो आगे जाके उसका फ्यूचर ख़राब ही हो जाएगा। आपने भाग मिल्खा भाग मूवी में देखा होगा कि सरकमस्टांसिस ही कुछ ऐसे बन गए थे कि ही बिकेम एंटी सोशल और बिहेवियर प्रॉब्लम्स थी, सो चक्कू वक्कू भी रखता था, बट बाद में व्हेन ही बिकेम रनर तो एवरीथिंग वाज फाइन। सो कई बार सेंस ऑफ आइडेंटिटी और रोल ऑफ कन्फ्यूजन होने की वजह से टीनेजर या बचपन में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और जिनको फैमिली मेम्बर्स अगर समझ लें, पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं या बहुत ही लीनियंट हैं, उनको कुछ हद तक बदल लें, तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों पे कंट्रोल पाया जा सकता है। और आने वाले इंसिडेंट्स में हम अपने बच्चों को नशे से या बाकी चीज़ों से बचा सकते हैं, बिकॉज़ ऐसे बच्चे जल्दी गैंग्स बनाते हैं, अपनी तरह के ही बच्चों से मिक्सअप होते हैं, और उसमें फिर वो नशा भी करते हैं, फिर वो चोरी भी करते हैं, ठगी भी करते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमें जल्दी से जल्दी, जितनी छोटी एज में हमें पता लगता है और वार्निंग साइंस आते हैं, तो हमें अपने बच्चे को एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।